21 सूत्री मांगों को लेकर निगम के सफाई कर्मियों ने निगम मुख्यालय पर धरना दिया और प्रदर्शन करते हुए निगम प्रशासन और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कर्मचारियों की मांग है कि 2014 में नियमित किए गए कर्मचारी आयु प्रमाण पत्र के कारण आज भी उनसे सुविधाएं वंचित हैं, जो नियमित कर्मचारी को मिलनी चाहिए। सर्दी के मौसम में कर्मचारियों को समुचित वर्दी और रात को ड्यूटी करने वाले सफाई कर्मियों को पूरी सुरक्षा मिले, इसके अलावा उन्हें वर्दी, जूते और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। कई निगम आयुक्त बदल गए, लेकिन उनकी समस्या जस की तस रही। अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो उनका कहना है कि उनके पास आंदोलन करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। 4 साल की बच्ची है, उसके साथ अभी तक इंसाफ नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन सो रहा है, जो गवर्नमेंट है आज तक कोई बंदा उनके पास गया नहीं है। अपोजिशन हो या जितने भी नेता आज हरियाणा में बैठे हुए हैं, कोई बंदा उनसे एक मिनट के लिए जाने के लिए उनके पास वक्त नहीं था। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी 21 सूत्रीय मांग पत्र हमने निगम आयुक्त को हमने सौंप रखा है और 21 सूत्रीय मांग पत्र में सफाई कर्मचारियों की हमारी काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर समस्याएं लंबित पड़ी हुई हैं। जैसे कि पूर्व में कमिश्नर थे यहाँ अशोक शर्मा जी, अशोक शर्मा जो पूर्व कमिश्नर थे वो काफ़ी दिन तक तो बीमार रहे।